नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड फर्स्ट, एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 15, द स्कूल स्टाफ। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अवर नेक्स्ट चैप्टर। सो डियर स्टूडेंट, सो हियर वी कम्प्लीट अवर चैप्टर नंबर 14, द स्कूल। द स्कूल के बारे में हमने अच्छे से लर्न किया, हाँ, तो वो चैप्टर हमारा अच्छे से फिनिश हो गया है, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कम्प्लीट कर ली है। सो टुडे हियर स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन उसके उसका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन के बारे में लर्न करेंगे, ओके? सो डियर स्टूडेंट, हमने द स्कूल के बारे में लर्न किया कि स्कूल में टीचर्स है वो हमें अच्छे से मेहनत सिखाती है, गुड हैबिट्स हमें लर्न कराती है, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराती है, स्टडी कराती है। लेकिन स्कूल में सिर्फ टीचर तो नहीं होते हैं, बिकॉज स्कूल वो बहुत ही बिग होती हैं, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ओके? तो वो सारे डिपार्टमेंट है, उसमें वर्क करने के लिए बहुत सारे पीपल भी तो चाहिए होता है ना, हाँ? तो मैनी पीपल्स वर्क इन द स्कूल, तो स्कूल में बहुत सारे पीपल वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट वो टीचर है, क्योंकि स्टूडेंट तो आते हैं और टीचर्स उसे लर्न कराती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसको अरेंज करने के लिए बहुत सारे मैनी पीपल्स है वो चाहिए होते हैं। तो सो मैनी पीपल्स वर्क इन द स्कूल, एवरी पर्सन वर्किंग इन द स्कूल हैज़ अ स्पेशल जॉब। बहुत सारे डिपार्टमेंट स्कूल में होते हैं और बहुत सारे जो पीपल है उसमें वर्क भी करते हैं, लेकिन उन सब की क्या होती है, स्पेशल जॉब होती है। तो उसको उसे ही उसका ही वर्क करना होता है, ओके? जैसे कि स्कूल में एक बड़ी ऑफिस होती है, हाँ, प्रिंसिपल की ऑफिस होती है ना, एंड आपको स्कूल में जब पीरियड आते हैं तो पीरियड है वो अरेंज किए होते हैं कि ये 45, मान लो कि 45 मिनट्स का है आपका पीरियड, तो 45 मिनट्स जैसे ही देख लो, यहाँ पे मैं देती हूँ 45 मिनट्स का होता है पीरियड, ओके? तो जैसे ही आपका पीरियड है वो कंप्लीट होता है तो क्या बचती है, बेल बजती है ना, हाँ, बेल बजती है, तो आपको पता चल जाता है कि पीरियड है वो फिनिश हो गया है, हमारा नेक्स्ट जो पीरियड है वो स्टार्ट होगा। फिर आप गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन होता है, प्लेग्राउंड होता है स्कूल में, तो गार्डन में बहुत सारे ट्री होते हैं वहाँ पे, उसमें बहुत सारे प्लांट्स न्यू लगाने होते हैं, उसकी केयर करनी होती है, ओके? तो ये सारा अरेंज करने के लिए भी वहाँ पे वर्कर्स रखे हुए होते हैं। फिर आप स्कूल को अच्छे से क्लीन भी तो रखना होता है, एंड आपके जो अच्छे से सब्जेक्ट वाइज गुड टीचर्स रखे होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके लिए भी अरेंज किया गया हुआ होता है कि ये सब्जेक्ट है वो मैथ्स लेंगे, मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, आपके सोशल के टीचर्स अलग होते हैं, फिर आपकी गुजराती के, हिंदी के, इंग्लिश के, वैसे सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपके रहते हैं, तो उसको अरेंज करना भी होता है। एंड आपकी जो ऑफिशियली वर्क रहता है स्कूल में, क्योंकि आप फीस भरते हो, फिर उसको लेने के लिए जो टीचर्स होते हैं उसकी वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उसको सैलरी भी तो देते हैं ना, तो उसके लिए जो फाइनेंशियली अरेंजमेंट करने के लिए भी बहुत सारे पीपल होते हैं। तो स्कूल है वो बहुत ही बड़ी होती है और उसमें बहुत सारे पीपल्स है वो वर्क भी करते हैं, मैनी पीपल्स वर्क इन द स्कूल, एंड एवरी पर्सन वर्किंग इन द स्कूल हैज़ अ स्पेशल जॉब। उसकी स्पेशल जॉब होती है वो, और उसे ही उसे फॉलो करना होता है, ओके? तो उसमें हेड ऑफ द स्कूल भी होता है, हेड ऑफ द स्कूल होता है, हाँ? तो हेड ऑफ द स्कूल कौन होता है, आपको तो पता ही है, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या होते हैं,
हेड ऑफ द स्कूल, वो स्कूल के हेड होते हैं, वो सारा अरेंजमेंट करते हैं, ओके। एंड टीचर्स है, वो हमें लर्न करने में हेल्प करती है, मैनी थिंग्स, मैनर्स एंड गुड हैबिट्स एंड डिफिकल्ट स्टडी हमारी होती है, उसमें भी हमें हेल्प करते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं वो चाहिए होते हैं। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो है द स्कूल स्टाफ। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि स्कूल बहुत बिग होती है, उसे हैंडलिंग करने के लिए बहुत सारे पीपल चाहिए होते हैं। तो जो पीपल स्कूल में वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाँ, द स्कूल स्टाफ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, वो है द स्कूल स्टाफ। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द स्कूल स्टाफ। तो स्कूल स्टाफ में कौन कौन से आते हैं, चलो बताओ मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आएगा? ओके, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल का अरेंजमेंट करते हैं ना। फिर मैनी टीचर्स, क्योंकि आपके सब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि मैथ्स है, एनवायरमेंट है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर्स भी तो चाहिए होंगे ना। हाँ, ओके। एंड और कौन होता है? तो मैंने बोला ना कि फाइनेंशियली जो हैंडलिंग करना होता है उसके लिए एक अलग से ऑफिस होती है, जिसे क्लर्क की ऑफिस बोलते हैं। उसमें सारा फाइनेंशियली डिस्कस होता है वहाँ पे। एंड आप जो भी काम आपको बोला जाता है टीचर्स को हेल्प करने के लिए, प्रिंसिपल को हेल्प करने के लिए, क्या होता है उसकी ऑफिस के बाहर है वो होती है, तो उसे प्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यून। ओके, हमारे स्कूल में भी तो बहुत सारे सिस्टर्स हैं ना, हाँ, जो आपको हेल्प करती है। अगर आप वॉशरूम जाना होता है या फिर कोई चीज़ है वो भूल गए हो, आपको क्यू में चलना होता है, आपको कहीं पे भी जाना होता है, तो सिस्टर्स है वो हेल्प करती है। एंड ये सारे सिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्कूल को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखते हैं। क्योंकि अगर स्कूल में स्कूल डर्टी होगी, वहाँ पे बहुत सारा कचरा होगा, तो क्या होगा, हाँ, वहाँ पे मॉस्किटो हो जाएगी ना, हाँ, और मॉस्किटो से आप सिक हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, तो उसको तो क्लीन रखना ही होता है। ओके, तो उसके लिए सिस्टर्स एंड प्यून्स को अरेंज किया गया होता है, और वो है वो स्कूल को क्या करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं। एंड और आपका बहुत ही आपको जो पसंद है वो है गार्डन, तो गार्डन को भी अच्छे से क्लीन रखना होता है। वहाँ पे बहुत सारे ट्री होते हैं, फिर स्विंग्स, स्लाइड्स, हाँ, तो उसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए भी अरेंज किए गए होते हैं पीपल। ओके, तो ऐसे आप जब स्कूल आते हो, हाँ, आप जब स्कूल आते हो तो मैंने अभी बताया था स्कूल में कि आप स्कूल में कैसे आते हो, हाँ, तो बाय बस, बाय ऑटो रिक्शा, हाँ, तो स्कूल में, हमारी स्कूल आदर्श स्कूल में भी तो बहुत सारे स्कूल बस है ना, तो उसको चलाने के लिए भी बहुत सारे पीपल है वो रखे गए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बस ड्राइवर। ओके, तो ये बस ड्राइवर होता है, हाँ। फिर आपको अगर कुछ भी काम हो, हाँ, तो आप वॉचमैन भी गेट के बाहर वॉचमैन भी तो होता है ना। अगर आपको स्कूल के अंदर आना है तो पहले वॉचमैन से परमिशन लेके ही हम अंदर आते, क्योंकि पूरी स्कूल को गार्ड कौन करता है, वॉचमैन। ओके, फिर स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है, फिर लेबोरेटरी भी होती है, हाँ, तो ये सारे स्कूल है वो बहुत ही बिग है, उसके लिए बहुत सारे पीपल को जॉब पे रखा गया है, वो सारे पीपल की जॉब है वो स्पेशल होती है, और उसे ही उसे उस तरह से ही उसको वर्क करना होता है, राइट। सो द स्कूल स्टाफ, हाँ, स्कूल के बारे में हमने बहुत जाना, लेकिन द स्कूल स्टाफ के बारे में हम बहुत सारे मैंने अभी बताए कि प्रिंसिपल, टीचर्स, क्लर्क, फिर लाइब्रेरियन, फिर प्यून, सिस्टर्स, गार्डनर, फिर वॉचमैन, तो ये सारे पीपल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से अपनी जॉब करते हैं।
तभी तो स्कूल को वेरी गुड स्कूल बोला जाता है। ओके, तो हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि उसका वर्क कौन सा होता है, वो कैसे करते हैं, लेकिन अभी नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।